इंडिया के बॉर्डर के पास एक जगह मरोट आरएससी में, वहाँ से आई हूँ। किधर से आई है? मरोट आरएससी मरोट। ये कहाँ पे है? ये भावनगर से तकरीबन 5 घंटे आगे इंडिया के बॉर्डर के साथ, ठीक है। और आरएससी कौन सा लगता है? भावनगर लगता है, भावनगर ही लगता है। अच्छा, वहाँ से आप यहाँ आई हैं? आरएससी में इतनी स्ट्रेंथ है पेशेंट की, इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है मरोट से, बच्चे छोड़ के आई हूँ, ठीक है। और आरएससी लेवल पे इतना काम कर रहे हैं, एक एक रात में 5-6 डिलीवरी भी होती हैं और एक फीमेल ड्यूटी पे होती है, एक संभाल रही होती है, कोई आया नहीं, कोई हेल्पर नहीं, ठीक है। और आप इनसे ये पूछे, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि ब्रेस्ट फीडिंग पे इतना ये हमसे काम करवाते हैं, हमसे, हम माँ को अपनी निगरानी में, हमारे EMR ऐप में उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया कि माँ ने बच्चे को दूध कैसे पिलाया, हम अपनी ऑब्जर्वेशन में उसको सिखा के भेजते हैं, ठीक है, हम उनको एडवाइस करते हैं। लेकिन 12 घंटे जो माँ पूरा डॉक्टर का काम कर रही है, जो आगे सुने, जो 12 घंटे माँ अपना बच्चा 6 माह का छोड़ाती है कि वो अपने बच्चे को फीड कराती है, हम में से, इन सब में से पूछे, किसने अपने बच्चे को 2 साल दूध पिलाया? हमारे बच्चों ने हमारा दूध तक नहीं पिया। इतनी टफ ड्यूटीज हम दे रहे हैं, ये उसके बदले में हम सारे कैडेट्स को तरक्की दे के एक LHV को क्यों नहीं दे रहे? देखें, हर कैडर को तरक्की दी, जो कैडर सबसे ज्यादा संभाल रहे हैं इनके हॉस्पिटल्स को, बड़े हॉस्पिटल्स में एक एक ड्यूटी है सबकी, छोटे हॉस्पिटल्स में हमें हर तरह का प्रोग्राम करना पड़ता है, फिर हमारी तरक्की को क्यों रोका जा रहा है? जिन माओं ने अपने बच्चों को 2 साल दूध नहीं पिलाया, मैं अपना 6 माह का बच्चा छोड़ के नाइट ड्यूटी, सर्दियों के दिनों में बच्चा उठा के जाती थी, बच्चे को नेबुलाइज करके बाप को दे के कंबल में लेट के घर भेज देती थी, और 12 घंटे में हॉस्पिटल में, मुझे नहीं पता घर में मेरे बच्चे की क्या कंडीशन है, ठीक है। मेरे 5 बच्चे हैं, एक बच्चे ने भी 2 साल दूध नहीं पिया, और ये गवर्नमेंट, शर्म चाहिए हमसे, ब्रेस्ट फीडिंग की ट्रेनिंग करवाते हैं, हर माँ को हम पकड़ना सिखाते हैं, पिलाना सिखाते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन में एडवाइस करके भेजते हैं, क्या दूसरों के बच्चे महफूज रहे? हाँ जी, ये काम करते हैं, ये करते हैं।